ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में दरार के बीच कुछ बड़े नेता दे सकते हैं इस्तीफा। बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को शीला दीक्षित के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद जिस तेजी से दिल्ली में पार्टी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था, अब उसी तेजी से नीचे भी आने लगा है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का असमंजस भी पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ विरोध के सवर भी ऊपर पहुंचना प्रारंभ कर दिया है। कुछ ने तो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से समय मांगना भी शुरू कर दिया है। शीला दीक्षित ने भी तीनों कार्यकारी अध्यक्षों को समझाना शुरू कर दिया है कि उनका टिकट मांगना जायज नहीं। लोकसभा इलेक्शन 2019 सलमान के फैसले से टूटे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के अरमान। लोकसभा इलेक्शन 2019 बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने होली के दिन ट्वीट किया कि उनका किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, वह किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इस ट्वीट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के अरमानों पर पानी फेर दिया। पोते आश्रय शर्मा को टिकट दिलाने की उनकी उम्मीद टूट गई। सुखराम अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित है। टाटा पावर SED को रक्षा मंत्रालय से मिला 1200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। टाटा पावर ने एक बयान में कहा कि टाटा पावर SED ने भारतीय नौसेना को अगले 10 साल में जहाज में लगने वाले 23 3D एयर सर्विलांस की सप्लाई के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। उमेश यादव वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया के लिए चौथे गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं। टीम इंडिया और IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तेज गेंदबाज उमेश यादव का मानना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो आगामी विश्व कप में वह भारतीय टीम के लिए चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उमेश की बेंगलोर टीम IPL के 12वें सीजन के पहले मैच में शनिवार को मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। उमेश ने कहा, अगर आप देखें तो IPL वह मंच है जहां उन्हें आप चयनकर्ताओं को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि वह विश्व कप में चुने जाने के लिए उपलब्ध है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं। अब हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया, आप उसे भी इंस्टॉल करें अपने फोन पर और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।